भटकल के बारे में एक जमाने से सुनता रहा था, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के आबोहवा के बारे में। आज पहली बार आने का मौका मिला है और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से देखने का। समाज के लिए किस तरह से बॉन्ड होकर, एक मुत्तहिद होकर, एक बहुत सारे सोशल काम करना, समाज की सोचना, तो ये मुत्तहिद होकर बहुत सारे एक्टिविटीज करना, जो मुख्तलिफ इदारे आपके भटकल में चल रहे हैं, काबिले मुबारकबाद हैं। और इसी की जो कौमी, जो कौम के लिए जो दर्द है, जो जज्बा है, उसी की एक छोटी सी झलक ये अभी मैदान में बिजनेस के एक्टिविटी में, ये ट्रेड एक्सपो एक बहुत बड़े काम का एक पहला कदम है। आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान जिस माशी बहरान या इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है, हमारे इतराफ के मुल्क भी उससे बची हुई नहीं है। श्रीलंका तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, बांग्लादेश बहुत अच्छी इकोनॉमी जा रही थी लेकिन अभी भी उसकी डॉलर क्राइसिस है। पाकिस्तान का बुरा हाल है, हर तरफ देखें तो हिंदुस्तान भी इससे बचा हुआ नहीं है। अब मामला यह है कि पॉलिसीज भी ऐसी बन रही हैं कि जो अमीर है उनको फेवर कर रही हैं। हकीकत यह है कि अमीर अमीर तर हुआ जा रहा है, गरीब गरीब तर हुए चले जा रहे हैं। पॉलिसीज हम जिनको चुनते, क्या हम मुसलमान खामोश तमाशाई बने पर हैं? क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं? जबकि हमारा तो यह दावा है कि हमारे पास अल्लाह ताला की किताब है, दुनिया के सारे मसाइल का हल हमारे ही पास है, किसी के पास नहीं। तो यह दावा क्या खोखला दावा है, खामखा जुमला है क्या? हम कुरान के बेस पर एक बात कर रहे हैं और यहां का इस हमारे जो बिरादरन वतन है, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हम तो पता है बेरोजगारी का क्या हाल है, महंगाई बढ़ते चले जा रही है, जीडीपी जो होता है, जो विकास दर, वो गिरता चला जा रहा है, डॉलर के मुकाबले में रुपया का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, अब तक इतना रुपया गिरा ही नहीं था। तो ये जो पूरी सिनेरियो है, इसमें हम क्या करें? और इस सब पर सोने पे सुहागा ये है कि हमारे खिलाफ अभी हाल ही में जो सीएनआरसी का बिल आता है, हमको नागरिकता के लिए जद्दोजहद लड़ाई करनी पड़ती है कि भाई हमको भी यहां पे रहने के लिए प्लीज इजाजत दे दीजिए, भीख मांगना पड़ रहा है। तो इस तरह से दूसरों के रहमो करम पर क्या हम जिंदा रहेंगे? क्या हमारे पास कोई रास्ते नहीं है? यकीन जानिए दोस्तों, ये जो हालात से हम गुजर रहे हैं ना, इसका हमको ऐसा लग रहा था पहले, अभी भी कई लोगों को लगता होगा कि कुछ कुवतें हैं जो हमारे खिलाफ काम कर रही हैं, बिजनेस के मैदान में हमको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही हैं, हमको कॉर्नर किया जा रहा है। और इसी चीज को सामने रखते हुए माशी मैदान में आगे बढ़ने के लिए 2015 में महाराष्ट्र में जमात इस्लामी ने एक शोभा शुरू किया, ईडीसी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, और तब से फिर अभी 3 साल पहले इसको ऑल इंडिया में लॉन्च कर दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में मैं दौरा कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, इंटरेक्ट कर रहा हूं। यकीन जानिए, ये बिजनेस का शोभा ऐसा है कि इसमें अभी समझ में आ रहा है कि कोई हुकूमत इसको अपोज कर ही नहीं सकती। तो आज के इस छोटे से वक्त में दो चीजें मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा आपके पास। सबसे पहली चीज जो है, ये समझ लीजिए कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, तो वक्त की हुकूमत चाहे आपकी आइडियोलॉजी से कितने ही इख्तलाफ करे, उसको आपको सपोर्ट करना उसकी मजबूरी है, लाजिम है, अपोज कर ही नहीं सकती। अगर आपके कारोबार की ग्रोथ में अगर अपोज कर रही है, मुखालिफ कर रही है, तो हुकूमत अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। सिर्फ यहां की बात कर नहीं कर रहा हूं, दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर हुकूमत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर रुकावट डाल रही है, तो अपना फ्यूचर को खतरे में डाल रही है। और दुनिया के किसी कोने में नहीं, तारीख के किसी भी दौर में अगर किसी हुकूमत ने, हाकिम ने, बादशाह ने, राजा ने अगर इसको सपोर्ट नहीं किया है, वो हुकूमत का फ्यूचर खत्म हो गया है। अब मामला यह है कि अगर हुकूमत हमको सपोर्ट रुकावट नहीं, तो हम बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? रुकावट क्या है? तो एक चीज मैं बता दूं, असल रुकावट अभी जो साथी ने बता रहे थे कि कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उसको ब्रांडिंग करना, उसको मार्केटिंग करना, सिस्टम बैठाना, सारी चीजें करना, ये सारी चीजें तभी कारगर हैं जब हमारे अंदर जज्बा है आगे बढ़ने का। अगर आपको अपने बिजनेस के ग्रोथ की फिक्र है, तो सारे स्टेप, सारे प्रोसेस, सारा गाइडेंस आपके काम आएगा। अगर जज्बा ही नहीं है,
तो सारी चीजें किसी काम की नहीं, पूरी रायगाएं फजूल हैं। और यकीन जानिए असल जड़ जो है ना, जो अपना एनालिसिस मैं बता रहा हूं इतने साल जो 7-8 साल से दौरे कर रहा हूं, असल मसला हम है, हमारा माइंडसेट है। हमने अपनी हैसियत समझी ही नहीं, हम समझ रहे हैं कि ये जो मसाइल है हिंदुस्तान के, दुनिया के कोई और आके हल करेगा। एक बिजनेसमैन जो है ना वो इस मुल्क का वेल्थ क्रिएटर वो होता है, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, बिजनेसमैन होता है, वो मुल्क की रिसोर्सेस को उठाता है, वैल्यू एडिशन करता है, और उस वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में पूरे देश का भला होता है। हमने वो जिम्मेदारी समझी ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं बिजनेस का के ताल्लुक से, हमारा सोच हमारा अप्रोच ये है कि मैं कारोबार इसलिए कर रहा हूं कि इस कारोबार के जरिए मेरी जरूरियात की तकमील हो जाए, अपने पेट पालने के लिए कर रहा हूं, अपने बाल बच्चों की तालीम का मसला हल करने के लिए कर रहा हूं, थोड़ा समाज में कुछ घर बन जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जरा से बढ़ जाए और कुछ एसेट्स हो जाए, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, मैं सुकून से बस अल्लाह अल्लाह करूं, उसके आगे बढ़ता ही नहीं हूं मैं। तो मामला यह है कि इतनी छोटी सोच लेके, बल्कि मैं तो कहूंगा इतनी खुदगर्जाना सोच लेके हम काम करेंगे हमारे बिजनेसमैन, तो मुल्क का, मुसलमानों का, इस्लाम को जो हमको भीख मांगना पड़ रहा है लोगों से ना, वो इसी ही वजह हमारी सोच का मसला है। पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, कभी भी मुसलमान जहां पर रहे हैं वो एसेट बन के रहे, बोझ बन के नहीं रहे, लायबिलिटी बन के नहीं रहे। इस मुल्क में भी देख लीजिए, जो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे इस मुल्क के अंदर इस मुल्क को सोने की चिड़िया हमने ही बनाया था अंग्रेजों से पहले, मुगल का जो दौर था। आप देखिए, गूगल कर लीजिए द जीडीपी ऑफ इंडिया इन मुगल एरा, 33%, दुनिया का एक तिहाई, जबकि एकदम कंजर्वेटिव में विकिपीडिया में जाते हैं तो 24.3 बताता है, जबकि पूरे यूरोप का जीडीपी या विकास दर कह लीजिए वो 23% था। मतलब पूरी हिंदुस्तान का प्रोडक्शन, उसका विकास, उसकी खुशहाली एक तरफ और पूरे यूरोप की खुशहाली या डेवलपमेंट एक तरफ। और हमको पता है कि जब अंग्रेज जब आए हैं वो जीडीपी जब 47 में गए हैं तो 4 के नीचे लाके छोड़ के गए हैं। तो हकीकत यह है कि हम यहां पर अभी तक भी रहे हैं तो इस मुल्क को हमने ही संवारा था, आजादी की लड़ाई तक हमारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते थे लोग। लेकिन आज ये है कि अगर आज हम न रहें तो इस मुल्क को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम ये कहते हैं कि तो ये मसला ये है कि हम इस मुल्क के इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम कुछ रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। तो यकीन जानिए ये जो बिजनेस का सोच है ना, ये अब हमारी अहम जिम्मेदारी है। देखिए, जब इस्लाम के बात करते हैं हम, एक समाज के अंदर अल्लाह के रसूल की जो सहाबा कराम थे, एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटीज थी, हर तरह के लोग थे वहां पर, कोई एक मखसूस एक अच्छा मुस्लिम, मतलब एक टिपिकल मुसलमान की एक क्वालिटीज नहीं, उसमें वैरायटी होती है। वहां पर खालिद बिन वलीद अपने सलाहियतों से जौहर दिखा रहे हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अस्हाबे सुफा जो है वो अपने लिखा पढ़ी का काम अहादीस मुरतब कर रहे हैं। वहीं पर हसान बिन साबित अपने शेर व शायरी से वो उनको दुश्मनों के जवाब दे रहे हैं। उस्मान गनी और अब्दुल रहमान बिन औफ और अशरफ मुबशर 6 लोग वो अपने बिजनेस टाइकून अपने दौर के हैं, और के अपनी अपनी एक्सपर्टीज थी। हमारा भी तो हर दौर में, जैसे मैंने बताया कि इस्लाम का इब्तदाई दौर था जहां इस्लाम को समझाना था लोगों को, वहां पर लोगों ने अपने खिदमत अंजाम दिए। उसके बाद इस्लामिक मुझे मोहरानो वक्त को काफी तवील झाला आणि मगरिब करीब येते असे मी संबंध पहिले आमचे INF वाला को एक्सपो हिंगा कायम करूच्या पर्यंत मुबारकबाद देता की तुम्ही एक नवो तर्ज उपर जपून तसे आमची कौमा एक नवी वाट दाखडते वाटेत विचार ताजिरकस शायद आपली सदी पुरा केला कोणा करता मतलब बनावर कल नाही वडली तवील खिदमत तिजारतची लाईन भीतर चालते आयली दोन चार जाणीकेच राहतले आमचे प्रेसिडेंट का पेश करूचे आता मी आमचे अर्शद साहेबांवर दरख्वास्त करता की मेमेंटो पेश करूचे आमचे मोहम्मद शफी शाह बंद्री साहेब जमातुल मुस्लिमीचे प्रेसिडेंट त्याचे मग आमचे जनाब इनायतुल्ला शाह बंद्री साहेब मेजलिस्का तंझीमचे प्रेसिडेंट